देखो भाई, एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड बढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, खुदा कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह होता है ये, सी ओ को कहते हैं कार्बोनिल समूह। इसे हम दूसरे रूप में ना ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि रियल में देखने में ऐसा लगता है कि ये वाला बंदा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से नहीं होता, दरअसल ये दोनों कार्बन ही होते हैं, ठीक है ना। या से ऐसे लिख सकते हैं, एक बंद ये, एक बंद ये सब जितने भी हैं ना, ये सब कार्बोनिल समूह हैं। कार्बोनिल समूह। अब इस चैप्टर का जो नाम है ना, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिल अम्ल, तो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है, यही होते हैं बस इसके अंदर। अब देखो कैसे होते हैं। एक CO है, इसमें दो वैलेंसी खाली हैं, अगर इसमें एक H जुड़ जाए और एक कोई एल्किल समूह जुड़ जाए, ठीक है जी। चाहो तो तुम इसे ऐसे खोल कर दिखा सकते हो, ऐसे एक H जुड़ जाए, एक एल्किल समूह जुड़ जाए, तो ये एल्डिहाइड कहलाता है। परिभाषा भी यहाँ से बनाएंगे। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़ा होता है। एरिल मतलब होते हैं बेंजीन वाले ये, और ये एस हम ए आर, तो अब ये भी एल्डिहाइड ही है। ये परिभाषा से, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह या एरिल समूह जुड़ा होता है, वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। तो फिर कीटोन क्या हुए? कीटोन में इस एच की जगह भी एल्किल आ जाता है। कार्बोनिल समूह है, यहां भी आर आ जाएगा, यहां भी आर आ जाएगा, तो ये कहलाते हैं तुम्हारे कीटोन। और तीसरा नाम क्या है? यहां और यहां दो वैलेंसी खाली ना, तो इसमें आर जुड़ जाए और इसकी जगह ओ एच जुड़ जाए। एच जुड़ता था ना एल्डिहाइड में, तो एच की जगह ओ एच जुड़ जाए, तो ये कहलाता है कार्बोक्सिल अम्ल। इसके और इसके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसके और इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। और इस पूरे चैप्टर में इन दोनों को तो साथ में पढ़ेंगे, मतलब मैक्सिमम अभिक्रिया जो एल्डिहाइड बना देती है वो कीटोन भी बना देती है। कुछ एक दो अभिक्रियाएं हैं जो केवल एल्डिहाइड ही बनाती है, कीटोन नहीं बनाती है, वरना जो एल्डिहाइड बनाती है वो कीटोन भी बनाती है। कार्बोक्सिल अम्ल बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन चैप्टर में इसी में आएगा वो। तो फिलहाल जो हम साथ में पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो वो बाद में पढ़ेंगे, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इसके गुण भी, दोष भी, ये सब, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, सब एक साथ चलेंगे इसके, एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है जी। तो ये अभी बाद में लिखेंगे, पहले इसकी परिभाषा लिख रहे हैं हम, एल्डिहाइड में लिखेंगे। वे कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड, हेडिंग दिलवाया था मैंने, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह से एक एल्किल या एरिल, समूह एरिल समूह जुड़ा होता है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। देखो सर, ये तो ये है तुम्हारे एल्डिहाइड। अब यहां इसकी बात करो, इसकी जगह आर की जगह हम क्या ले सकते हैं? आर की जगह ले सकते हैं CH3, CO और ये H। इसका अगर तुम दूसरा रूप खोल कर देखना चाहो ना, तो ये ऐसा खुल जाता है CH3 CHO, CHO एक साथ ही लिख दिया है।
तो इसका नाम जो होता है वो होता है, अरे ऐसी टोन दिख रही है, एसिटाल्डिहाइड। और अभी अभी जो तुमने एक परिभाषा लिखी है ना, तो इसमें एक अपवाद रहता है, और वो अपवाद ये रहता है कि कार्बोनिल समूह से तुमने लिखा है कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह से एक एल्किल समूह कम से कम एक R जुड़ा हो तो वो एल्डिहाइड है। अगर एक R ना भी जुड़ा हो तो दोनों ओर एच एच हो तो भी एल्डिहाइड ही होता है। तो ब्रैकेट में ना ये लिखना है के फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त, क्योंकि ये जो बना है ना ये ऐसे है एच सी एच ओ, और इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है जी। तो इसके अतिरिक्त लिखना, तो वो जो तुमने लिखा ना कि एल्डिहाइड कहलाते हैं ऐसे लिखा है, और ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दो फॉर्मल्डिहाइड, और ये वाला फॉर्मूला लिख देना फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त, क्योंकि ये अपवाद है उसमें परिभाषा में, लिख दो ब्रैकेट में ऐसा करके फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त, अतिरिक्त क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त क्योंकि के अतिरिक्त, ब्रैकेट बंद मत करना भी, फॉर्मल्डिहाइड के अतिरिक्त क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में दो एच उपस्थित होते हैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह से दो एच परमाणु जुड़े होते हैं, दो एच परमाणु जुड़े होते हैं। एच परमाणु जुड़े होते हैं। अभी देखो ये, अब ए आर की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए आर की जगह आ जाएगा कोई भी बेंजीन, एरोमेटिक समूह मतलब, और यहाँ आ जाता है सी एच ओ। नाम पूछे कोई तो क्या हो जाएगा, ये बेंजाल्डिहाइड, ये था एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना जी। तो तुम जो अभी लिखने वाले हो तो पहले तो ये सब उतारोगे, ये उतारो और ये भी उतारो, ठीक है। और उसके बाद अभी से बेंजीन वाले थोड़े से दोबारा से यौगिक बनाएंगे, और